राधा मोगली रुको। मतलब मोगली यही कहीं है। वाह क्या किस्मत है, अंधे ने मांगी एक आंख, भगवान ने दी दो। डरना मत, मैं आ रहा हूं राधा। बेवकूफ नादान लड़की, तुम नहीं जानती जिसे तुम चिल्ला चिल्ला कर अपनी मदद के लिए पुकार रही हो, वो भी मेरा शिकार हो जाएगा। रुक जाओ शेर खान। मोगली इसे तो मैं देखता हूँ हुजूर। सामने से हट जाओ दवा की। राधा इधर। मजनू शेर खान, राधा को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बड़े बेवकूफ इंसान हो, ऐसे बातें कर रहे हो जैसे पूरा जंगल तुम्हारा है। चुपचाप चले जाओ, मैं तुमसे बाद में निपट लूंगा। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तुम्हारी वजह से कितना प्यारा तोहफा मुझे मिला है। तुम भाग जाओ राधा। हाँ? जल्दी करो। ठीक है। हाँ? अब बोलो शेर खान। बचो तबाकी। आओ राधा भाग चले यहां से। तबाकी बेवकूफ पीछा करो, उस दिल हर बार मार खाता है। फंस गए, इधर आओ। आराम से, डरो मत। घबराओ नहीं, नीचे मत देखो। मोगली, शाबाश। बस पहुंच गए। इस बार तुम नहीं बच सकते मोगली। अब कहां जाओगे? सामना करो बच्चे, एक ना एक दिन तो तुम्हें मेरा शिकार बनना ही था। जरा भी हिलोगे तो नीचे चट्टानों पर गिरकर तुम्हारी हड्डियां चूर चूर हो जाएगी। तुम यहां रुको। जाओ पहले नहा के आओ, फिर मुझे पकड़ना। तुम इस तरह मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। बेवकूफ शेर खान का मजाक उड़ाते हो, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। तुम अपनी मौत की तरफ भाग रहे हो बच्चे। मत। हट जा। बेवकूफ लड़की, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले, वरना शेर खान के आने से पहले ही मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। डरता हूँ, मैंने तुम्हें मार दिया तो शेर खान मुझे मार डालेगा। दादाजी। बदमाश, दूर हटो बच्ची से। बुड्ढे तुम मेरा शिकार हो। ओ दादाजी, ओ वो भाग गया बदमाश कहीं का। तुम्हें कुछ कहा था नहीं उसने?
तुम तो ठीक हो ना? और मुगली कहाँ है वो? उसके पीछे खतरनाक शेर लगा हुआ है। दादाजी हमें जल्दी से उसकी मदद करनी चाहिए, उसने मुझे शेर से बचाया है, जल्दी करो दादाजी। चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। किस तरफ गया है वो? हिम्मत है तो नीचे आकर बहादुर की तरह लड़ो। तुम ऊपर आके मुझे क्यों नहीं पकड़ लेते? कैसे शेर जो पेड़ पे नहीं चढ़ सकते? अरे मर गए। अच्छा, बहुत अच्छा। अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस जिंदगी से आजाद कर दूंगा। नहीं नहीं शेर खान, पीछे हटो, हट जाओ। ये मोगली की आवाज है। दादाजी जल्दी चलो। आओ आओ। अब कहाँ छुपोगे मुगली? बहुत दम है तुम में, लेकिन अब तुम्हारा वक्त आ गया। बस बस, दावा है, ये मेरा दावा है कि हमारी आखिरी मुलाकात है। दादाजी वो देखो, मोगली ऊपर से गिर गया है। ओह, मोगली मोगली, ओ नहीं मोगली, मोगली मोगली मोगली, ओ ओ मोगली, उठो तो कुछ तो बोलो मोगली मोगली। शुक्र है भगवान का, तुम ठीक हो ना मोगली? लगता है ठीक है। बड़ी खुशी हुई मुझे, उस पेड़ ने बचा लिया इसे। बहुत दम है तुझमें मोगली, किस मिट्टी के बने हो तुम? अब मैं एक और तुम तीन। अरे ओ तबाकी, भागो राधा। आ क्या हुआ मोगली? बहुत ना इंसाफी। आओ बदमाश, एक बार पहले खंजर चलाया था मैंने, आज फिर चलाऊंगा। अच्छा तो ये खुसट बूढ़ा भी शेर खान से लड़ना चाहता है। वैसे तो मेरे एक वक्त की खुराक नहीं, लेकिन मोगली को पाने के लिए मुझे इसकी भी चटनी करनी पड़ेगी। दादाजी, शेर खान, अब मेरी बारी है। याद रखो मोगली, मैंने भी अपनी माँ का दूध पिया है, छोड़ूंगा नहीं। मोगली जल्दी आओ, ये देखो दादाजी। हिला नहीं जाते। दादाजी दादाजी। Thank you.
दादाजी दादाजी धीरज रखिए, हम जल्दी ही अपने घर पहुंच जाएंगे। अच्छा तो आज फिर मोगली जंगल से गायब हो गया है ना? आखिर करता क्या है, जाता कहाँ है वो? तुमने कहा था मोगली कल तुमसे मिला था, फिर तुमने खुद क्यों नहीं पूछा उसे? पूछा था मैंने, और वही सीधा जवाब दे दिया उसने, अपना काम करो। और कहा हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। ये नहीं पूछा करता क्या है आजकल? पूछा था तो बोला ये राज की बात है। हो सकता है वो चोरी छिपे मनुष्यों से मिलता रहता हो। क्या क्या कह रहे हो? पर तुम्हें ये शक कैसे हुआ? मुझे यूं ही कुछ याद आया और मैंने बता दिया। जिस दिन मोगली मेरे लिए जड़ी बूटी लेकर आया था उसी दिन से वो हमें कम ही दिखाई दे रहा है ना पप्पू? और मोगली ने खुद बताया जब वो जड़ी बूटी लेने गया तो वहाँ उसे एक आदमी मिला, और उसके कहने के मुताबिक वो आदमी बहुत दयालु था। अगर ये सच है तो वो जरूर मनुष्यों से मिलता होगा। और सुनो, एक दिन मोगली मनुष्यों के साथ रहने लगेगा। क्या ये सब बकवास है? मुझे भी नहीं मालूम। ये देखो अजीब सा लगता है। इस तरह के पहनावे तो सिर्फ मनुष्य पहनते हैं। मुझे नहीं मालूम है क्या चक्कर है, मुझे पक्का विश्वास है उसके साथ जरूर कोई घटना हुई है। वो इस तरह कभी गायब नहीं हुआ। तुम क्या कहते हो? मोगली, मोगली तुम कहाँ हो? इनकी हालत बिगड़ती जा रही है मोगली। दादाजी। बेटी जलन हो रही। दादाजी शुक्रिया मोगली। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। मोगली वो देखो हमारा गांव। बस हम अब जल्दी पहुंच जाएंगे। मोगली क्या बात है, रुक क्यों गए? मुझे अब वापस जाना होगा। मत जाओ मोगली, अभी मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं ये गाड़ी नहीं खींच सकती। दादाजी हिम्मत रखिए, हम अभी घर चलते हैं। बहुत तकलीफ हो रही है दादाजी, तुम इस तरह छोड़कर मत जाओ मोगली। हाँ तुम जरा मेरी मदद करो मोगली। मदद? शुक्रिया मोगली। दादाजी अब हम घर आ गए। हाँ
आखिर पहुंच गए। माँ पिताजी जल्दी बाहर आओ। क्या क्या हुआ बेटी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ ठीक हूँ। फिर क्यों चिल्ला रही हो, तुम्हें तो बहुत पहले घर आ जाना चाहिए था। हाँ जानती हूँ, लेकिन दादाजी बुरी तरह घायल हो गए हैं। क्या पिताजी? ओह क्या हुआ पिताजी? देखो कितने गहरे जख्म हैं। हाँ माँ ये मोगली है। क्या मोगली? हाँ माँ मोगली, दुनिया का सबसे बहादुर लड़का। अच्छा कुछ ही दिनों में आप ठीक हो जाओगे। अच्छा बेटी, बाकी सब राधा बताएगी। कैसे सुन पाऊंगी, ये शेर गीदड़ तो बहुत बुरे होते हैं। हाँ माँ, मोगली ने दादाजी का खंजर लिया और शेर से लड़ने लगा। बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया उसका। शेर ने कई बार पंजे मारे लेकिन मोगली बचता रहा, अंत में उसकी आँख काट दी। मोगली? फिर शेर बहुत चिल्लाया, बहुत चीखा, लेकिन बेचारा करता क्या, अपने दोस्त गीदड़ के साथ दुम दबाकर भाग गया, है ना दादाजी? हाँ बेटी हाँ। मोगली बहुत बहादुर है और तुम्हारे दादाजी भी। कितने बहादुर? बहुत बहादुर। जब आदमखोर शेर हमारे इलाके में घुस आया था तो तुम्हारे दादाजी ने ही उसे भगाया था। आदमखोर शेर? हाँ बेटी, बहुत खतरनाक शेर था वो, जब देखो गांव वालों पर हमला कर दिया करता था। मोगली राधा और पिताजी को बचाने का शुक्रिया। अब बैठ जाओ, तुम बहुत थक गए होगे, थोड़ा दूध पी लो। मोगली माताजी। माताजी हैं? हाँ वो मेरी माताजी हैं। दो माता? नहीं पगले, वो मेरे पिताजी हैं। अच्छा पिताजी? हाँ मेरे पिताजी। मोगली ये गरम गरम दूध तुम्हारे लिए अच्छा है, लेकिन इसे धीरे धीरे पीना, समझे? ठीक है, दूध धीरे धीरे पीऊंगा। वाह बहुत अच्छे। माँ मैंने इसे थोड़ा थोड़ा सिखाना शुरू कर दिया है, ये जल्दी सीख जाएगा। हाँ अच्छा। हाँ बहुत अच्छे। इस सबक के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें। धीरे और धीरे। हाँ इसी तरह धीरे धीरे सीखोगे। धीरे ये उससे काफी मिलता है। तुमने क्या कहा उषा? मोगली अपने कृष्णु जैसा लगता है ना। कृष्णु? क्या कह रही हो? जरा ध्यान से देखो इसे। क्या ये हो सकता है माँ? ये हमारा कृष्णु है, ये अपनी याददाश्त खो चुका है, इसीलिए हमें पहचान नहीं पा रहा। उषा कृष्णु जा चुका है, तुम्हें यह बात अब मान लेनी चाहिए। अब मोगली की आंखों में ही देखो, कृष्णु से जरा भी नहीं मिलती। ये उसके जैसा दिखता है लेकिन है नहीं। ठीक कहते हो, ये हमारा कृष्णु नहीं। पता नहीं मुझे ये विश्वास क्यों नहीं होता कि मेरा कृष्णु अब वापिस नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। बेशक तुम बाहर सो जाओ, अगर सर्दी लगे तो मुझे शिकायत नहीं करना। मोगली को वहीं सोने दो राधा, जहाँ उसका दिल चाहता है। तुम कहो तो एक कंबल दे दूं तुम्हें? नहीं? अच्छा तो शुभ रात्रि मोगली। अब तुम कहो शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। चलो बेटी। राधा? हाँ मोगली बोलो। वो कौन? कौन मोगली? कृष्णु। अच्छा तो तुम सब समझ गए, कृष्णु मेरा बड़ा भाई था, एक दिन जंगल में गया और गायब हो गया। कितने खतरनाक जानवर होते हैं जंगल में, उन सब से कहां बच पाया होगा वो। लेकिन मेरी माँ इस बात को मानती ही नहीं है, सोचती है कि वो जरूर वापस आएगा। मुझे तो कुछ ठीक से याद भी नहीं क्योंकि उस वक्त मैं बहुत छोटी थी। पर तुम उसकी चिंता मत करना मोगली, माँ अब समझ गई है कि वो अपने बेटे से कभी नहीं मिल पाएगी। आज यूं ही तुम्हें देखकर कृष्णु की याद आ गई। अच्छा मोगली शुभ रात्रि। अपना ख्याल रखना मोगली।
वो? ओ, वो तो गांव वाले हैं, सारा दिन यूं ही गप्पे मारते हैं। चलो आओ हम खेलते हैं। और उस दिन के बाद जानवर जानने लग गए कि उनका मालिक कौन है, और तो और वे मुझे बलदेव कहने लगे, यानी जंगल का राजा। एक दिन पहले ही मैंने अपनी नई बंदूक से शिकार किया, उसके बाद मैं कुछ बंदरों से मिला। उनके सरदार ने मेरे सम्मान में शानदार खाने का आयोजन किया, देखने लायक समा था, यकीन करो। बंदरों ने तुम्हें क्या खिलाया होगा? केले ही खिलाए होंगे। नहीं, उन्होंने केले नहीं खिलाए। हाँ, शायद एक दो खिलाए भी हों, लेकिन बस इससे ज्यादा नहीं। हाँ, मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहूंगा कि बंदरों ने मेरी अच्छी खासी सेवा की थी। यहाँ तक के मेरे लिए नारियल की बनी मदिरा ले आए, खुद बनाते हैं, बड़ी स्वादिष्ट, मीठी और असरदार। मैंने बनाने का तरीका पूछा तो उनके सरदार ने कहा कि ये तो राज की बात है, लेकिन मेरी बंदूक से डर गया, फिर माफी मांगी, क्योंकि वो समझ गया कि वो जंगल के राजा से बात कर रहा है। उसने कहा, कृपया हमें अपने राज्य में शांति से रहने दीजिए, हम पर दया कीजिए, हम वादा करते हैं कि शिकार करने में हम आपकी मदद करेंगे। यही वजह है कि शिकार से मैं कभी खाली हाथ नहीं लौटा। यकीन मानो, मैं जो कुछ कह रहा हूँ बिल्कुल सच है। अच्छा, जंगल के राजा हो तुम, बंदरों के साथ खाना खाया तुमने, फिर तो तुम जानवरों की भाषा भी जानते ही होगे। अगर तुम जानवरों की भाषा समझ सकते हो, फिर तो तुम उस बच्चे को भी समझ सकते होगे जो संजय के परिवार में आया हुआ है। हाँ, उसे समझना तो बहुत ही आसान है, लेकिन मैं ही समझ सकता हूँ। जानते हो, मैं उस पर नजर रखे हुए हूँ, वो बड़े काम आ सकता है। बम्बे शहर में एक सर्कस लगी है, वो हमेशा नए कलाकारों को ढूंढते रहते हैं, ये जंगली लड़का उनके बड़े काम आ सकता है, हमें अच्छी कीमत मिलेगी। ये तो है, बहुत अच्छा विचार है तुम्हारा, पर बम्बई जाने का रास्ता कई महीनों से बंद है, मेरी मानो तो अभी चुप रहो। ओहो, अरे मैं तो भूल ही गया, तुम्हारा दूध पीने का समय हो गया और मैं यहाँ बैठा गप्पे हाँक रहा हूँ। ये लो, लो पियो। देखो मैंने कितना अच्छा हार बनाया। मैंने तुमसे भी अच्छा हार बनाया। गिरा दो इसको, मारो। अरे वो देखो, वो मार मार, वो मार रहा है। अरे इसको पकड़ो पकड़ो, इधर से खींचो उसको। अरे गिरा, वो देखो, वो उसको मार रहा है, मार रहा है। चिकी तुम दूर रहो, दखल मत दो। ऊपर वो क्या है? उसे पतंग कहते हैं मोगली। वो पतंग है? हाँ, बहुत अच्छे। पतंग उड़ रही है? हाँ, उड़ रही है। पतंग उड़ रही है, पतंग ऊंची हवा में उड़ रही है, पतंग उड़ रही है। बहुत अच्छी पतंग, ऊंची उड़ रही है, हवा में उड़ रही है, पतंग उड़ रही है। मजा आ गया। वाह मोगली। जोर से जोर से। हाँ उधर उधर, पीछे से पीछे से पकड़। हाँ शाबाश, शाबाश शाबाश, गिरा दिया। अरे ये क्या कर रहा है? अरे जाओ, अरे जाओ, जोर से जोर से, शाबाश। अरे शाबाश, गिरा दिया। हाँ जोर से, पटक पटक, चावे। अरे राधा, कैसा है तुम्हारा जंगली दोस्त? अभी तक उसने सिखाया कि नहीं पेड़ों पे कैसे झूलते हैं? सूरत तो देखो, बिल्कुल बंदर जैसा। जंगली कहीं का। राधा बोलो, क्या करें? कुछ नहीं मोगली, चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन अरे ठहरो राधा, इतनी जल्दी क्या है? ये क्या मजाक है, शर्म नहीं आती? डर गई क्या? हम तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि हमारे साथ खेलने के बजाय तुम इस गंदे लड़के के साथ क्यों घूमती रहती हो? मालूम है मेरे दादाजी क्या कहते हैं इसके बारे में? वो कहते हैं कि सही मायने में लड़का नहीं, किसी भेड़िये ने गलती से जन्म दिया है इसे। बिल्कुल ठीक,
जिस दिन ये भेड़िया बिगड़ गया ना, तो पता नहीं तुम्हारा क्या होगा राधा। ये क्या बकवास है, तुम्हारे दादाजी को शर्म मानी चाहिए ऐसे बोलते हुए। सुनो लड़के, चुप रहो, राधा को पसंद नहीं। हाँ, अरे देखो कुछ सुना तुमने, जंगली लड़का बोलने लगा। ए जंगली, चिल्लाओ मत, हम जानते हैं तुम मनुष्य नहीं हो, हमसे बात मत करो समझे। हाँ, तुम चांद की तरफ देख के चिल्लाओ जैसे अक्सर चिल्लाते हो। राधा, नदी पे चलते हैं, यहाँ बहुत शोर है, चलो। ए तुम कहीं नहीं जाओगे। ओ, 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 मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या कर रहा हूँ, क्या करो, मुझे छोड़ो, अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ मुझे, छोड़ो, अरे छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो, धीरे धीरे पटको मत, अरे पटको मत, अरे धीरे, अरे धीरे मत, मत पटको मत मुझे। माफ करना मोगली, मेरे कारण बिना वजह वो लड़के तुमसे लड़ पड़े। घबराओ नहीं, वो पागल हैं, वरना लड़ते नहीं। हम्म, क्या मतलब? हम्म, इस गांव से तो जंगल अच्छा है, वो लड़के खेल रहे थे, बिना वजह आपस में लड़ने लगे। ना समझ है, लड़ना कोई अच्छी बात है? नहीं, लड़ाई बुरी होती है, तुमने ठीक ही किया मोगली, कम से कम अब वो तुम्हारे साथ लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। मैं तुमसे नहीं जीत सकती। मोगली, सपना देख रहे हो? जब तुम सोए हुए थे तो देखो मैंने क्या बनाया, पहनो तो। देखे, अरे अरे क्या हुआ, अरे क्या हुआ, डालिया फंस गया, डालिया फंस गया, अरे कोई जाओ, रुको मोगली, शाबाश शाबाश, थोड़ा और कोशिश करो, ठीक है, शाबाश, और जोर से, हाँ हाँ ऐसे, और नहीं नहीं ऐसे नहीं, देखो देखो जरा ऐसे कोशिश करो, हाँ ऐसे ऐसे, ठीक है ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश, थोड़ा 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 और आह, थोड़ा 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 आह, हाँ ऐसे शाबाश, थोड़ा और। अरे ये क्या हो रहा है बेवकूफ, मेरी सारी सब्जियां खराब कर डाली, क्या इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया था? अब खड़े क्या हो, जल्दी निकालो इसे। जी हाँ, अभी निकाल देता हूँ। हाँ? अब देख तो रहे हो ना, पूरी कोशिश तो कर रहा हूँ मैं। हाँ, मुझे बर्बाद करने की। शाबाश, और जोर से, और बलदेव। चुप, बदमाश, मैं बताता हूँ तुम्हें इसे कैसे निकालना है। नहीं ठहरो, छोड़ो मुझे। रोको इसे। नहीं नहीं जाने दो, मुंह रखा है,
अरे पानी पानी हो जाएगा। उतर दिया उतर दिया। हाँ ठीक है। अरे 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 निकल गया। अरे देखते हम क्या करता है। मोगली मैं भी आती हूँ। आओ आओ राम सुंदर। राधा खींचो जोर लगाओ मोगली। बेटी खींचो राम सुंदर खींचो। इसमें कोई शक नहीं कि लड़का ताकतवर है, पर देखते हैं कितना खींच पाते। संभल के बेटा संभल के। शाबाश चलो चलो हिम्मत मत हारना। राधा खींचो राम सुंदर पूरी ताकत से खींचो। खींचो बेटी खींचो। जोर लगाओ बेटी बेटी संभल के संभल के। खींचो बेटी और जोर से जोर से जोर से। शाबाश आ गया लिया। क्या बात है क्या बात। अरे ये क्या कर रहे हो। अरे नीचे उतारो मुझे। अरे कोई बचाओ मुझे। पता चला बुड्ढे कुसट को। आओ राधा अब घर चले। चलो शुक्रिया प्यारे दोस्त। और फिर मोगली एक हाथ से गाड़ी को धक्का देकर किनारे तक ले आया, फिर दूसरा हाथ लगाकर गाड़ी को दलदल से बाहर निकाल दिया। लेकिन असली मजा तो तब आया जब मोगली ने बलदेव को ऊपर उठाकर गधे पर बिठा दिया और एक ऐसी लात मारी तो गधा बलदेव को लेकर पहाड़ की तरफ भाग गया। बलदेव ऐसे हाथ पैर मारता रहा लेकिन करता क्या। ठीक है मजाक बहुत हो चुका अब सो जाओ बेटी। ये कहानी तुम 3 बार सुना चुकी हो। तो क्या हुआ मुझे अभी नहीं सोना। क्यों ना हम सब लोग मिलकर एक कोई अच्छा गाना गाए। नहीं राधा बहुत रात हो गई है तुम्हें आराम की जरूरत है। जाओ अब सो जाओ। मोगली तुम भी। अरे मोगली क्या कर रहे हो तुम। इस आईने के साथ कल खेल लेना। अभी सोने का समय हो गया है। चलो हाथ मुंह धो लो। धो लूं हाँ। आज सुबह ही तो तालाब में नहाया था। साफ तो हूँ। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि राधा। कभी ऐसा दिन भी आएगा मोगली साबुन से नहाए और बिस्तर पे सोए। मुझे नहीं लगता बेटी। उसने अपनी सारी जिंदगी जंगल में ही गुजारी है। वो सिर्फ जंगल के तौर तरीके ही जानता है। तो मैं उसे बदल दूंगी। मैंने फैसला किया है कि मैं उसे अपने बच्चे की तरह पालूंगी। देखना एक दिन वो हमारे बेटे कृष्णु जैसा बनेगा। बेटी मैं जानता हूँ कि तुम मोगली से अपने बेटे कृष्णु की तरह प्यार करने लग गई हो। लेकिन उसका दबाव मत डालना नहीं तो भाग जाएगा। क्यों संजय। मुझे भी इसी बात का डर है पिताजी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मोगली यहीं रहे और उसे हम प्यार से कुछ सिखा सकें। देख लो जैसे तुम ठीक समझो। कभी कभी सोचता हूँ मोगली कृष्णु का ही दूसरा जन्म है। उससे काफी मिलता जुलता है। और मोगली वहीं से आया है जहाँ अपना कृष्णु खो गया था। मैं समझ रहा हूँ संजय। तुम मोगली को अपने बेटे कृष्णु की तरह ही पालोगे। जैसे तुमने बताया कि मोगली की आंखें कृष्णु से ज्यादा गहरी हैं,
इसका मतलब है कि वो कृष्ण तो हो नहीं सकता। नहीं, वो कृष्ण नहीं हो सकता। हाँ, मोगली कृष्ण की जगह आकर हमें खुशियाँ दे सकता है। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने हमारी खोई हुई खुशियाँ हमें मोगली के रूप में वापस दे दी। ठीक कहती हो, होता वही है उषा जो किस्मत में लिखा होता है। हमें ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए। देखो कितनी सुंदर बेटी दी है उसने। हाँ, तुम ठीक कहते हो। चलो अब सो जाए। अकड़ू आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। आओ चलो, बघीरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बघीरा यहाँ? हाँ, यहीं बांस के जंगल में, गांव के किनारे। जल्दी चलो। अच्छा, मुझसे आगे निकल गए। मोगली। हाँ, बघीरा। अरे 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 मोगली, छोड़ो छोड़ो। अरे अरे संभल कर मोगली, मैं तुम्हारी तरह बच्चा थोड़ी हूँ। अरे छोड़ो मोगली मुझे। अरे बड़ी खुशी हुई तुम्हें देखकर, पर ये तो बताओ कि तुम गायब कहाँ हो जाते हो, क्या कर रहे हो आजकल? हाँ बोलो मोगली, माँ और सारा झुंड तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। हमने सुना है तुम किसी लड़की से मिलते हो और इसीलिए गायब रहते हो, लेकिन तुम्हें जंगल से इतनी दूर इस गांव में रहने की क्या जरूरत थी मोगली? क्या तुम हमें छोड़कर आदमियों के साथ रहना चाहते हो? क्या हमसे दिल भर गया है? क्या जंगल के दोस्तों से तुम खुश नहीं हो मोगली? नहीं, ऐसी बात नहीं है अकड़ू। फिर बात क्या है? शेर खान मनुष्यों पर हमला करने लगा है और मेरे कारण उसने मेरी दोस्त राधा पर भी हमला किया। इसे तो मैं देखता हूँ हुजूर। सामने से हट जाओ दवा की। राधा इधर। आओ बच्चे। फिर राधा के दादाजी आगे बढ़े। ओहो, तो ये बेवकूफ पूरा शेर खान से लड़ना चाहता है। वैसे तो मेरे एक वक्त की खुराक नहीं, लेकिन मोगली को पाने के लिए इससे उलझना ही पड़ेगा। दादाजी। शेर खान, अब मेरी बारी। बहुत पछताओगे मोगली, शेर खान से दुश्मनी तुम्हें महंगी पड़ेगी। राधा के दादाजी बुरी तरह जख्मी हो चुके थे, इसीलिए उन्हें गांव ले जाना पड़ा, और तब से मैं राधा के घर में रह रहा हूँ। अच्छा, अब सारी बात मेरी समझ में आ गई है। इसीलिए शेर खान तुमसे बदला लेने के लिए घूम रहा है। कल वो तुम्हारे बारे में हर किसी से पूछ रहा था, याद है पकड़ू? हाँ, और हमने उसकी आंख पर घाव भी देखा है। लेकिन ये बताओ, अब तुम्हारा क्या इरादा है? कुछ पता नहीं, मुझे जंगल की बहुत याद आती है, लेकिन मैं मनुष्यों के तौर तरीके भी सीखना चाहता हूँ। क्यों नहीं, और तुम्हें जानना ही चाहिए। हम समझ सकते हैं मोगली, मैंने भालू से बात की थी। सच पूछो तो हम दोनों का यही विचार है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम मनुष्यों के साथ रहना ही पसंद करोगे, लेकिन उस वक्त तुम्हें उनके तौर तरीके सीखने में बड़ी परेशानी होगी मोगली। अभी अच्छा मौका है सीखने का। हाँ बात तो ठीक है, पर हम अकेले रह जाएंगे मोगली। लेकिन तुम्हारे साथ माँ है, पकड़ू है, अरे पूरा का पूरा झुंड है तुम्हारे साथ। इसके अलावा
मैंने तो सुना है आजकल तुम उस दर्शी की बेटी के साथ भी घूमते फिरते हो। हाँ, तुम कैसे जानते हो बघीरा? मैं क्या, सारा जंगल जानता है। बड़ी खुशी की बात है, कैसी है वो? अच्छी है। और वो तुम्हारी दोस्त राधा, क्या वो भी बहुत अच्छी है मोगली? अभी छोटी है लेकिन है बहुत शरारती। अच्छा, तो भालू और मेरी बात सच निकली, अब तुम अच्छी तरह सीख सकते हो। लेकिन हम में से कोई हर रोज तुमसे मिलने आया करेगा, तुम्हारी खैरियत जानने के लिए। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बता देना, हमें तुम्हारी याद तो बहुत आएगी मोगली। लेकिन तुम्हारे भविष्य के लिए तुम्हारा यही रहना ही ठीक है। हाँ मोगली, तुम चाहे जंगल में रहो या गांव में, हम तुम्हारे भाई हैं, हमारा प्यार कभी कम नहीं होगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी अकड़ू, माँ को मेरा प्यार देना। सरपंच पकड़ू, लीला, भालू, का, पप्पू और जंगल के सभी दोस्तों को मेरा प्यार देना। खुश रहो मोगली।